गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 8 और कबीर का आज स्कूल का पहला दिन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो कबीर का आज पहला दिन है स्कूल का और कबीर रेडी हो रहा है और मैं उसको आज स्कूल लेकर जाऊंगा। देखते हैं वो मेरे साथ वापस आएगा या रुक जाएगा वहाँ पर, क्योंकि कबीर का पहला दिन है। पहले दिन बच्चे नर्वस होते हैं और कबीर नर्वस भी है और एक्साइटेड भी बहुत है और रो भी रहा है और उसको जाने की भी जिद है। तो देखते हैं आज कबीर का पहला दिन कैसा जाता है स्कूल का। मम्मी उसे रेडी कर रही हैं, मैं उसको अभी लेकर छोड़ने जाने वाला हूँ स्कूल, तो आपसे मिलता है थोड़ी देर बाद। देखिए गाइस, मौसम भी आज काफ़ी अच्छा है, इतना अच्छा व्यू आ रहा है। तो देखिए गाइस, कबीर स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कबीर की यूनिफॉर्म है और ये कबीर की बेल्ट है और कबीर के स्कूल का नाम आप देख सकते हैं, द ग्रोविंग किड्स पिंचोली। और कबीर रेडी है जाने के लिए, टाइम भी हो चुका है और हम 2 मिनट लेट है। देख सकते हैं आप, स्कूल जाने के लिए कबीर रेडी है, कितना क्यूट लग रहा है। और स्कूल का फर्स्ट डे है कबीर का, फर्स्ट टाइम जाएगा कबीर। तो देखिए गाइस, कबीर बैग पहन कर रेडी है स्कूल जाने के लिए और देखिए वो रो रहा है, वो कह रहा है कि मैं बैग पहन कर नहीं जाऊंगा और स्कूल जाएगा तो बैग पहन कर ही जाएगा, तो स्कूल में बैग नहीं लेके जाएगा तो स्कूल कैसे जाएगा फिर। देखिए उतार दिया है उसने। देखिए कबीर स्कूल जाने के लिए रेडी है और देखिए कबीर की स्कूल की बोतल भी मैचिंग मैचिंग है, पानी की बोतल। और देखिए कबीर जाने के लिए रेडी है, देखिए कबीर स्कूल जाने के लिए रेडी है और स्कूल जा रहा है। वो बोल रहा है कि तुम मत जाओ, मैं खुद जाऊंगा, तो वो अकेला जाने के लिए बोल रहा है। तो देखिए गाइस, हम जा रहे हैं स्कूल, मैं जा रहा हूँ कबीर को स्कूल छोड़ने के लिए। देखिए कबीर ने स्कूल बैग भी टांग लिया है और अब वो बोल रहा है चलो आप छोड़ कर आ जाओ, कल से मैं अकेला जाऊंगा, तो हम जा रहे हैं स्कूल। गाइस, कबीर हो गया है पहले ही दिन अपने 15 मिनट लेट स्कूल जाने में। तो पहले दिन कबीर लेट हो चुका है अपने, क्योंकि वो लेट उठा था। देखिए गाइस, हम आ गए हैं कबीर के स्कूल और जैसे कि आप देख सकते हैं ये कबीर का स्कूल है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो देखिए गाइस, कबीर अपनी क्लास में आके बैठ चुका है और बाकी स्टूडेंट भी बैठे हैं। तो ये देखिए कबीर का स्कूल, काफ़ी अच्छा स्कूल है, प्ले स्कूल, अच्छा जगह स्कूल है और बच्चों के खेलने के लिए झूले वगैरह भी हैं। देखिए कबीर कैसे खेल रहा है, फिसल गुंडी पर झूल रहा है, फिसल रहा है। तो गाइज, मैं कबीर को स्कूल छोड़कर आ चुका हूँ और काफ़ी अच्छा स्कूल था जैसे कि मैंने देखा। और कबीर भी खुश हो गया था, पहले एंटर करते तो वो खुश हो गया, उसके बाद जब वो क्लास में गया तो वो मेरे साथ ही बोलने लगा कि मैं लेकर चलो वापस, मगर उसकी मैम ने कहा नहीं बेटा अभी यहीं रुको, और उसको कबीर को वहीं रोका। और जैसे ही वो उसने मुझे जाते हुए देखा, वो फिसल कुंडी पर झूल रहा था, उसने जाते हुए देखा तो एकदम रोना स्टार्ट कर दिया। पता नहीं उसको मैम हैंडल कर पाएंगी या नहीं, क्योंकि उसको जल्दी से कोई हैंडल नहीं कर पाता। वो तो जब मैं 10 बजे उसको लेने जाऊंगा तो ही पता चलेगा वो तो मैम हैंडल कर पाई हैं या नहीं। तो आज का दिन पता नहीं कैसा जाएगा कबीर का, वो चुप होगा या नहीं, ये तो
10 बजे ही पता चलेगा जब मैं उसको लेने जाऊंगा। तो हम भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। कबीर आज स्कूल गया है, खुश है वो भी, पूछता जाने के लिए एक्साइटेड था। और वो अभी जब मैं वापस आया तो रोने लगा था, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो पता चलेगा बाद में। तो जब मैं कभी को लेने जाऊंगा तो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ कबीर को लेने के लिए। कबीर काफ़ी रो रहा है, उसके स्कूल से फ़ोन आया था कि कबीर रो रहा है, तो अभी मैं उसको लेने जा रहा हूँ। और वैसे टाइम भी होने वाला है, 9:30 तो हो चुके हैं, आधा घंटा बाकी है 10 बजने में, और उसकी स्कूल की छुट्टी भी हो जाएगी। तो अभी काफ़ी रो रहा है तो मैं उसको लेने जा रहा हूँ, देखते हैं कैसा रहा उसका आज का दिन। चलिए चलते हैं। तो गाइस देखिए मैं कबीर को स्कूल से लेने आया। देखिए कबीर को मैं स्कूल से लेकर आ चुका हूँ और कबीर बोल रहा है कि मैं नहीं जाऊँगा स्कूल कल से। कबीर जाओगे कल स्कूल? क्यों नहीं जाओगे? बोलो, मैम ने पिटाई करी है? बोलो, मैम ने पिटाई करी है? तो फिर क्यों नहीं जाने? क्यों रो रहे हो? नानी को याद कर रहे थे तुम? मैम बता रही थी नानी याद कर रही है, तुम बोल रहे थे। मैम बता रही थी, यूं बोल रहा है, नानी को याद कर रहा है, नानी याद कर रही है मुझे। गाइस कबीर की मैम बोल रही थी कि कबीर नानी को याद कर रहा है, और नानी को बोल रहा है कि नानी मुझे याद कर रही है। और ये कह कर रो रहा था। और अभी मैं जब वो गया उसको लेने में, तो मुझे एकदम देख के रोने लगा। वो मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। तो जब वो रो रहा था तो उसकी मैम ने बताया कि ऐसे ऐसे बोल रहा है कि मुझे नानी याद कर रही है, इस तरीके से रो रहा था। तो उसको जाना तो पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी कुछ बन पाएगा ऐसी वो भी 2-4 दिन 5 दिन तो रोएगा, उसके बाद में इंशाल्लाह खुशी खुशी जाएगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा। तो कबीर घर पर आ चुका है, चलो मैं उससे मिलाता हूँ आपको। स्कूल हाँ तो बहुत अच्छा है। बोलो कल को स्कूल जाओगे? हाँ Yes. स्कूल जाओगे कल? क्यों जाओगे? डेली जाना है ना, अभी परसों छुट्टी है, संडे। स्कूल की चीज घर पर आके खा रहे हो? क्यों? वहाँ क्यों नहीं खाई? रो रहे थे तुम वहाँ पे? क्यों रो रहे थे? ये था हमारे गब्बू का आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।